हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, आज का वीडियो एक बहुत ही ज्यादा कमाल का होने लगा है। भारत क्या झटके दे रहा है यार बांग्लादेश को, उनकी तो सप्लाई क्या मतलब। अब मुझे लग रहा है कुछ टाइम बाद उनकी जो गाड़ी का चाहे जो पहिया है वो भी रुक जाएगा। क्या हुआ, भारत ने बांग्लादेश की डीजल सप्लाई काट कर दिया उनको सबसे बड़ा झटका। तो भाई बांग्लादेश को सबसे बड़ा झटका मिल गया, भारत ने उनकी जो डीजल जो कि यार रीढ़ की हड्डी है हर मतलब डीजल सप्लाई, बिजली सप्लाई, गैस सप्लाई, हर चीज भारत दे रहा है उनको। हर फिर भी बातें करते हैं, फिर भी वो बातें भारत पे कर रहे हैं। मैं इस पे रानू कितना वो निर्भर है भारत पे, इस पे सही बोले। अब भारत ने डीजल जो है वो बंद कर दिया उसका, और अब रोना धोना फिर से स्टार्ट होने लगा है। मुझे लगेगा ऐसा होगा और फिर से वो आएगा भारत के शरण में। पहले देखते हैं सारी वीडियो क्या सीन हुआ है भाई। इन्फोटेक का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। काउंट ऑन करते हैं 3-2-1 एंड स्टार्ट। भारत ने बांग्लादेश की नींद उड़ा दी है। जी हाँ, रातों रात बांग्लादेश को इतना बड़ा झटका मिलेगा ये मोहम्मद यूनुस ने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन भारत ने झटका दिया और भारत की इस झटके से बांग्लादेश में महंगाई और बढ़ेगी, जिससे कि बांग्लादेश को कटोरा लेके IMF का दरवाजा खटखटाता ही रहना पड़ेगा। हालांकि इसमें बांग्लादेश की भी गलती है कि उसने भारत की वार्निंग को नजरअंदाज की। भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने पहले ही कहा था कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार अगर जल्द भारत को लेकर अपने तेवर नहीं बदलती तो भारत भी बांग्लादेश को अपना असली रूप दिखाने में देर नहीं लगाएगा, और वो रूप आज बांग्लादेश देख रहा है। तो बहुत मस्त खबर है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। देखिए जागरण की इस न्यूज में हेडलाइन क्या लिखी है कि बांग्लादेश को भारत की ओर से डीजल और बिजली की आपूर्ति ठप कर दी गई है। आर्टिकल में बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में पूर्व PM शेख हसीना को सत्ता से हटाने के बाद से जो आंतरिक अस्थिरता बांग्लादेश में पैदा हुई और जो भारत विरोधी मुहिम वहां चलने लगी, उसकी वजह से भारत सरकार और भारतीय कंपनियों की तरफ से बांग्लादेश में हो रहा निर्माणाधीन कार्य लगभग बंद कर दिया गया है। सब्जी मंडी और बिजली तो पहले ही बांग्लादेश के लिए बंद कर दी गई थी, लेकिन अब डीजल भी बांग्लादेश को नहीं मिलेगा। शायद आपको याद नहीं रहा होगा, लेकिन 2023 में यानी जब शेख हसीना PM पद पर कार्यरत थी, तब भारत बांग्लादेश के बीच 130 किलोमीटर लंबी डीजल पाइपलाइन बिछाकर बांग्लादेश के लिए सस्ते दरों में डीजल सप्लाई चेन शुरू कर दी गई थी। ये पाइपलाइन पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी और बांग्लादेश के दिनाजपुर जिले के पर्वतीपुर को जोड़ती है, जिसे नाम दिया गया था फ्रेंडशिप पाइपलाइन। भारत की इस पाइपलाइन से बांग्लादेश को खाड़ी के देशों के मुकाबले बहुत ही रिजनेबल प्राइस में डीजल प्राप्त हो रहा था, जबकि हमें आज भी 100 रुपयों के नीचे पेट्रोल नहीं मिल रहा। खैर जो भी है, लेकिन इस पाइपलाइन के जरिए बांग्लादेश को प्रतिवर्ष 2.5 लाख टन डीजल सप्लाई हो रहा था, जो अब रुक चुका है। और ये डीजल सप्लाई कब शुरू होगी, इसकी निश्चित तारीख भी भारत ने बताने से इनकार कर दिया है। भारत के इस कदम से बांग्लादेश में महंगाई इसलिए बढ़ेगी क्योंकि डीजल ना मिलने की वजह से बांग्लादेश में ट्रांसपोर्टेशन रुका रहेगा। अगर ट्रांसपोर्टेशन रुका तो सामान डिलीवर नहीं होगा, अगर सामान डिलीवर नहीं हुआ तो बाजार में चीजों की शॉर्टेज होगी, और अगर बाजार में सामान की शॉर्टेज तो महंगाई बढ़ने में कितनी देर लगती है। इसीलिए किसी भी देश के लिए क्रूड ऑयल बहुत जरूरी है, खासकर ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए। अब बांग्लादेश ने बीते दिनों जो हरकतें की है ये उसी के परिणाम है, और भारत ने भी साफ कहा है कि जब तक बांग्लादेश भारत विरोधी गतिविधियों को बंद नहीं करता ये डीजल भी नहीं मिलेगा, और मेरे हिसाब से देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आज भी यूनुस सरकार हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर कोई भी ठोस कदम नहीं उठा रही। तो आप ही बताइए दोस्तों कि भारत ने सस्ते दरों में बांग्लादेश को डीजल देना चाहिए या फिर नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद। ऐसी के साथ यार वीडियो खत्म हो रही है यार। सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो इंडिया की जनता जो अभी भाई जनता को छोड़ो भाई, मैं मेन बात अभी करने लगा हूँ। आप अंदाजा लगाओ खाड़ी के देश अलग कि वो दुनिया उनसे क्यों लेती है, क्योंकि ये सस्ता देते हैं, महंगा देते थे इंडिया उनको, वो इंडिया जो उनसे प्राइस में लेता था उससे भी सस्ता, जाहिर बात है रशिया से लेकर इनको सस्ता तरीन डीजल दे रहा था। 130 किलोमीटर की पाइपलाइन मुझे पाइपलाइन का नहीं पता था, इतनी लंबी पाइपलाइन बांग्लादेश ने बिछाई हुई है, मुझे भी नहीं पता। और भाई इस पाइपलाइन के थ्रू डायरेक्ट उधर पहुंचते थे, ट्रक को जरूरत ही नहीं पड़ती थी। और भाई 130 किलोमीटर की लाइन थी,
वो बंद तो हुई हुई, अंदाजा लगाओ खाड़ी के देश जो ओपेक देश हैं, मतलब ये जो अरबी शर्बी हैं जो मतलब तेल भेजते हैं भाई, इनसे ज्यादा सस्ते में कौन देता है यार, भारत उनको दे। इंडिया बॉर्डर में बिल्कुल साथ दे वो रहा भी था। बॉर्डर उनके ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा कितना पड़ता है ये भी देखो, सीधा इनके 130 किलोमीटर की लाइन में डालते थे और सीधा उधर पहुंच जाता था, अंदाजा लगाओ जो शिप का खर्चा है 2 लाख टन से ज्यादा, 2.5 लाख टन। यार भाई मैं हैरान हूँ भाई, कितना बड़ा नुकसान होगा उनका। यार अभी चीजें ये खुलकर आ रही हैं, अभी कि इंडिया क्या कुछ उसको देता था, हमें तो अभी पता चल रहा है कि इंडिया क्या कुछ देता पहले था। हम समझते थे बांग्लादेश, हम ये समझते थे इंडिया थोड़ी सी बिजली देता है, $1 बिलियन की तो सिर्फ बिजली का पैसा देना, पैसा उन्होंने देना, कितना पेट्रोल का जो $5 बिलियन जो इंडिया का कर्ज देना वो छोड़ दो, और जो इंडिया इसके अलावा और चीज देता है वो छोड़ दो, वो छोड़ दो, मतलब इतना ज्यादा यार भाई यही बात है। अगर तुम इतना भाई इतना कुछ अब आप एक देश पर निर्भर हो फिर भी उसी देश को आंख दिखाओ, मैं कहता हूँ लानत से डूब मरो भाई, सच में यार चुल्लू भर पानी में डूब मरने का मकाम है। इतना तुम एक देश पर निर्भर और उसी देश से तुम पंगा ले रहे हो, किसमें भाई अपनी मतलब कट्टरता की वजह से भाई पागल हो, सीरियसली ऐसे और यार मैं जिस तरह हम चाइना पे निर्भर है इस टाइम, बांग्लादेश उस पर निर्भर था भाई। सही बात है, हम चाइना पे भी निर्भर है, हम हर चीज उनसे जो है ना लेते हैं, क्यों लेते हैं, एक तो सस्ती देता है कर्ज देता है, कर्ज देता है, सीधी सी सिंपल सी बात है जो सिंपल सी बात बोलनी चाहिए। लेकिन अब आने वाले दौर में मुझे पाकिस्तान का भी ये नहीं लगता कि चाइना से मिले, और मुझे बांग्लादेश का भी नहीं लगता कि पाकिस्तान को फिर चाइना कुछ ना कुछ दे देता है भाई। बाकी हाँ बांग्लादेश को अगर इसी तरह रहा, इंडिया नहीं देगा, अगर सही किया रिलेशन भारत की वही छत्र छाया में फिर से आ गया भारत की जिस तरह पहले सुनता था। अच्छा, मैं तो मेरे बात बताऊं, मुझे जो लग रहा है ना, मैंने जो कुछ नोट किया है, देखो लोग कभी किसका नाम ले रहे हैं, कभी पाकिस्तान का, कभी क्या, लोग चाइना को भूल रहे हैं, चाइना वो भी सब कुछ करवा रहा है मुझे जितना लगता है, लोग चाइना को एक साइड पे कर रहे हैं लेकिन शामिल है भाई। लेकिन जाहिर बात है यार, मतलब अभी चाइना क्या, अभी मतलब भारत को आंख दिखाओगे तो क्योंकि शेख हसीना थी तो बहुत सारे प्रोजेक्ट इंडिया को मिलना स्टार्ट हो गए थे, और वो गई थी उधर तो इज्जत उसको नहीं दी थी ना इतनी चाइना ने ना, ये चीज़ तो वापस इंडिया आ गई थी वो बिल्कुल, फिर इधर कुछ दिन गुजारे थे 1-2 दिन और फिर वो वापस गई थी, फिर ये रोला शुरू, 15-20 दिन के अंदर और लगता है वो भारत का वो जो विजिट उसने किया तो बांग्लादेशी को चाइना को भी तपाया तो बांग्लादेश को फंडिंग वंडिंग मारी होगी उसने, जाहिर बात है भाई। तो भाई साहब वो सरकार गिर गई, अब क्या होता है यार आने वाले वक्त बताएगा, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान होने लगा है। अगर भारत के साथ सही न चला बांग्लादेश तो उसी का सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो आपका क्या इसके सारे मामले के ऊपर क्या कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें, आप क्या सोचते हैं इसके ऊपर, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यार